केएल राहुल वापस आए, आप समझते हैं कि उनके लिए भी टेस्टिंग टाइम होगा मिडिल ऑर्डर में अगर पाकिस्तान जल्दी विकेटें लेता है तो? लेकिन ये कि वो करेक्ट खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड, उनके पास बेतहाशा रन है अंडर हिज बेल्ट, तो वो एक अच्छा प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो फौरन शुरू में जाते के साथ ही अगर कोई एक दो अच्छे शॉट लग जाते हैं। ये देखें शोएब, ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, किस तरह की उन्होंने बैटिंग, टाइमिंग, प्लेसमेंट, वेटेड फॉर द बॉल जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन जो उनको मिली, और जो जैसे शॉर्ट पिच ये वाली डिलीवरी उन्होंने मारा एक पावरफुल शॉट, और एलिवेशन भी दी बॉल को, तो ये तमाम चीजें जो थिंकिंग क्रिकेटर होता है ना, जो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर होता है। और ये पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे ईशान किशन, लेकिन भारतीय अंडर 19 के कप्तान थे 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, इसी वजह से इन्होंने देखें, ये उनका गेम ऑफ प्ले बताता है कि ये ही इज देयर टू स्टे, ठीक है, और ही इज गोना प्ले फॉर लॉन्गर देन मेनी वाली बात है, और इस हाई ऑक्टेन मैच के अंदर आई एम श्योर ये वन ऑफ द लीडिंग स्कोरर ही आगे भी नजर आएंगे। जावेद भाई, फहीम अशरफ को हमने खिलाया, नवाज को नहीं खिलाया, भारत ने तो लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा को खिलाया लेकिन हमने नवाज को नहीं खिलाया फहीम अशरफ, तो आप हमारा बॉलिंग का अगर पांच बॉलर्स देखें, वीक लिंक आपको कौन सा नजर आता है? शादाब खान भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, पहले मैच में उन्होंने चार आउट किए नेपाल के खिलाफ लेकिन उसके अलावा नहीं किए। फहीम अशरफ ने पिछला मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, दो आउट किए, तो भारत अटैक किस पे करेगा आपकी नजर में? चार पांच बॉलर्स में से अगर मैं एक को आपको कहूं कि बताएं। अटैक तो लाजिम बात है कि अटैक का तो कोई होता नहीं, नहीं वो प्लान करके आएंगे ना, कि प्लान तो टॉप के मगर इसी एक डिफिकल्ट ले रहे हैं एज ए प्लेयर कि मैं जाके अटैक करूं, इनके पास वो मिडिल ओवर्स की बात कर रहा हूं जावेद भाई, मिडिल ओवर्स में जब मिडिल में तो फिर लाजिम अकॉर्डिंग टू द आपको सिचुएशन जाना पड़ेगा ना, अगर आपकी चार विकेटें जल्दी गिरती हैं तो फिर मिडिल में भी आप फंस गए, लेकिन अगर विकेटें रहती हैं तो विकेटें रहती तो वो वनडे क्रिकेट में यही है ना कि पहले अच्छा स्टार्ट मिले, आपने 10 20 30 40 50 एक आउट को डालने तो नीचे वाले फिर करेंगे, अगर आप शुरू में ही दो आउट हो जाए तो नीचे वाले के लिए मुसीबत हो जाएगी, पांच तो बैट्समैन होते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा भाई, क्या हाल है? कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिलशाद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी दिलशाद, क्या पूछना चाहेंगे? वक्त का मैं सवाल कीजिए प्लीज। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई को, शेर भाई को, अस्सलाम वालेकुम आपको भी। अच्छा सर, आज हमारी बेस्ट विशेज है अपनी टीम के साथ, अच्छा। और फखर जमान के साथ जो काफी देर से फ्लॉप चल रहे हैं, आज इंशाल्लाह ताला वो ठीक है चलेंगे। हर पाकिस्तानी की दिलशाद ये बेस्ट विशेज है, मैं समझता था आप कोई सवाल करेंगे, विशेज तो हमारी भी है। अब अगर शोएब हम बात करें, आपकी नजर में कितना भारत को कितने तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि पाकिस्तान अंडर फ्लड लाइट्स वो टारगेट चेस कर सके? वही टारगेट देखे, कल वाला मैच अगर सामने रखा जाए तो इस ग्राउंड इस 257 किए थे कल, जी 257 वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की सदीप ने, जिसकी वजह से सदीरा और वो उसके अलावा कौशल मेंडिस ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग 50 जी हाँ। लेकिन ये कि सदीरा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आखिर में हिटिंग और एग्जीक्यूशन टू बाउंड्री, तो आप समझ रहे हैं 250 काफी होगा? ये मैच इतना, इसके बाद काफी ज्यादा मुश्किलात, 250 अबव में बहुत मुश्किलात होंगी पाकिस्तान, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर शुरू में दो क्विक विकेट लेगा तो आज पाकिस्तान मेरे ख्याल इतना आसानी से पीछे, पाकिस्तान को डिसएडवांटेज होगा थोड़ा सा क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तानी बैट्समैन भारतीय बॉलर्स का सामना नहीं कर सके थे, लेकिन इनके वो बॉलर्स नहीं है इतने लीथल नहीं है कि बिल्कुल इनके अगेंस्ट आप, बुमराह तो अच्छा बॉलर है, एक आध देखें हर टीम में होता है, लेकिन और सिराज भी तेज है शोएब, सिराज काफी तेज फास्टर, अभी थोड़ा सा जब गेंद पुराना होगा तो आप इसी पिच के ऊपर देखेंगे उनको शॉट लगते हुए, शुरू में मुश्किलात हैं होंगी पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी शुरू में होंगी स्पेशली खासतौर पर, लेकिन इंडियन बैट्समैन को सर्वाइव करना पड़ेगा शुरू में। जावेद भाई आपकी क्या राय है, शोएब क्या कह रहे हैं, सर्वाइव करना पड़ेगा शुरू के ओवर्स में, और शोएब कह रहे हैं कि 250 जो है अच्छा रीजनेबल, एनी क्रिकेट में आप ओपन जो जाते हैं उनको सर्वाइव करना पड़ता है, अच्छा स्टार्ट देना होता है, अगर टीम को चलाना होता है तो ऊपर से लाजिम बात है कि आपको अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए, यानी कि आपके अगर एक विकेट गिरते तो 30-40 पे तो कम से कम नंबर तीन जो ज्यादा है उसको पता है कि, लेकिन कितना टारगेट दें जावेद भाई जी, कितना टारगेट होना चाहिए आपकी नजर? देखिए 225-200 तो डेफिनेटली लगता है कि होंगे ही होंगे राइट, अगर इसमें आप
अब प्लान क्या करते हैं, आपने करना कितना है? 250 अगर होते हैं जावेद भाई तो पाकिस्तान बहुत अच्छा प्रेशर में आएगा। अगर बैटिंग फर्स्ट 250 तो बहुत जबरदस्त स्कोर है राइट, उसको चेस करना इतना आसान नहीं होगा। जावेद भाई ने बड़ा टेक्निकल पॉइंट रेज किया, क्योंकि रात को फ्लड लाइट्स भी ऑन होंगी और टारगेट को चेस करना और क्रंच मैच में डेफिनेटली बैट्समैन भी अंडर प्रेशर होंगे ना शुएब? मोस्ट डेफिनेटली, इसीलिए वो लोग 8 बैट्समैन जो इनके ठाकुर हैं वो 8 नंबर के ऊपर आ रहे हैं बैटिंग करने पे, तो इससे अंदाजा लगाएं कि उनकी डेप्थ बहुत है। मार जी जादू जी नहीं बोलो नहीं मेरा मतलब है कि ठाकुर जो है वो 8 नंबर पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास अगर ओवर्स हुए तो वो फ्री दे कैन ओपन देयर आर्म्स। जावेद भाई आप क्या कह रहे हैं? नहीं मैं यही कह रहा था कि अब रन कर लेने हैं, आपने तो रन कर लिया, मैंने करने हाँ। अब मैंने करने वो किस तरीके से करने वो प्लानिंग आप बताते हैं हमेशा ना हाँ। क्योंकि इसमें ना मैं पहले तो टीम के प्लेयर जितने भी बैट्समैन है उनको कहूंगा प्रेशर नहीं लो हाँ। ये चीज तुम्हारी रूटीन की है, वो प्ले रूटीन मेंटली इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा प्रेशर तो होता है जावेद, लेकिन बॉल आपने बॉल देखनी होती है ना, तो यही तो कहने का मतलब है कि हम भी कहते हैं मैं क्रिकेट को देखता था ना ठीक है, आप जितने भी हैं इंडिया से आए या कोई भी आए मैं बॉल देख के मैं खेलूंगा ना। शोएब ये ग्राउंड जो है विराट कोहली के लिए बड़ा जबरदस्त रहा है, 519 रन इस ग्राउंड पे किए प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में, और विराट कोहली जिस अंदाज से इनसाइड एज पर बोल्ड हुए थे गुज़िश्ता मैच में, एक ऐसा प्लेयर है जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन्स करता है। अगर आप उठा के देखें हर मैच में विराट कोहली ने रन्स किए सिवाय उस आखिरी मैच के, कैसे देखते हैं विराट कोहली का रोल आज के मैच में? जी पिछला मैच तो पालिके में था, लेकिन देर आर सम ग्राउंड अराउंड द वर्ल्ड के जो पर्टिकुलर बैट्समैन को आते के साथ ही वहां समा स्कोर करता ही करता है। डेफिनेटली इस वक्त आप स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत का तराना बजाया जा रहा है, जब पाकिस्तान का तराना बजाया जाएगा तो हम आपको पाकिस्तान का तराना सुनाएंगे भी, लेकिन इस वक्त भारतीय टीम जो है स्क्रीन पर है। प्रेशर जावेद भाई थोड़ा सा आपने देखा कि रोहित जिस तरीके से बात कर रहा था तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सब ड्यूड है, क्योंकि वहां डेढ़ अरब की आबादी प्रेशर होगा उस पर कि जीतने हैं पाकिस्तान से। यही तो प्रॉब्लम है इनके साथ हाँ। जब पाकिस्तान का मैच होता है जितना वो अंडर प्रेशर होते हैं ना हाँ। कि वो खेल ही भूल जाते हैं जैसे भाई, और वैसे आप देखें कि अगेंस्ट समवन सम अदर टीम कि वो अपना इसी तरीके, तो क्रिकेटर को अपनी क्रिकेट से मतलब होना चाहिए कि मेरी क्रिकेट की एबिलिटी क्या है और मुझे उसको यूज करना चाहिए चाहे आप कोई भी हो, वो ये मेंटली होता है। जब मैदान में उतर गए शोएब तो सारी चीजें भूल के फिर आपने एज अ प्लेयर ही परफॉर्म करना जी, अपने पोटेंशियल पे खेलना है, और खास तौर पे प्रेशर सिचुएशन में गलती बार दफा अपने से ज्यादा दूसरे का भी रन आउट होने के भी खतरे। पाकिस्तानी शायकीन ने क्रिकेट की यही तवक्को है कि आज एक मरतबा फिर जब ये मैच खत्म हो तो वो पाकिस्तान का सब्ज़-लाल हिलाली परचम लेकर न सिर्फ कोलंबो में निकले बल्कि पाकिस्तान में भी निकले, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो लोगों को आपस में जोड़ता है, चाहे आपके कितने सियासी इख्तलाफात क्यों ना हो।